नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 107वें एपिसोड को संबोधित किया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके लोकल पर्व हो या प्रोजेक्ट हो, उन्हें आप ग्लोबल बना सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही लोकल फॉर वोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। आप तय करिए कि एक महीने तक आप UPI से या किसी डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और 66 साल बाद योगी सरकार में विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ संचालित होगा। पिछले सत्र में ही बदलावों को अनुमति मिलने के बाद अब इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अब नेताओं को सदन में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सत्र के दौरान सदन में झंडा और बैनर ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा। वहीं योगी सरकार के दौरान नारी शक्ति को प्राथमिकता देने के संकल्प का सदन में भी असर देखने को मिलेगा और सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने में खास वरीयता दी जाएगी। संभल में नो नॉनवेज स्टे पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि योगी की हुकूमत है, हम इनके मजहबी मामलों को दखल नहीं देना चाहते हैं, इनके सामने चुनाव है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। क्या वो भाई उनकी हुकूमत है, ताकत के बलबूते पर कुछ भी कर ले, ये तो उनका अपना नजरिया, लेकिन उसूली एतबार से गलत है। हम त्योहार मनाने के लिए मना नहीं कर रहे, हम उसमें कोई रुकावट नहीं डाल रहे, हम उसमें कोई और कोई बात नहीं कह रहे, या हम ना उनके त्योहारों में कभी कोई किसी कहीं की रुकावट डालते, ना हमें डालनी चाहिए किसी भी किसी के मज़हब का जो भी मामला हो, त्योहार हो उसको मना दें उसके उसके रस्म के एतबार से। तो इसलिए ये जो कुछ भी है बात कर रहे हैं, इनके सामने इलेक्शन है, हर चीज़ को इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख कर ये काम कर रहे हैं। दिल्ली में AQI कुछ क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। 10 नवंबर को हुई एक दिन की बरसात से जहां लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, वहीं अब एक बार फिर जहरीली हवा ने लोगों की सांस पर वायु प्रदूषण का पहरा लगा दिया है। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी में 450 AQI दर्ज किया गया है, तो वहीं बवाना में 427 और आनंद विहार में 433 AQI दर्ज किया गया है। बात करें अशोक विहार की तो 434 वहां पर AQI दर्ज किया गया है, साथ ही आर्यनगर में 320 AQI दर्ज किया गया है। इलाकों में AQI 400 के पार है, लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि 10 नवंबर को बरसात हुई थी, लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन फिर से एक बार देखा जा रहा है कि AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अगर कई इलाकों की बात करें तो 400 के पार AQI हो चुका है, लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई तरह के वहाँ पर नियम कानून भी बनाए गए हैं दिल्ली की बात करें तो, लेकिन फिर भी कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। AQI लगातार गंभीर श्रेणी में ही दर्ज किया जा रहा है, जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हो गए हैं, 6 दिन राहत के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जहरीली हवा में सांस लेने को लोग एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं। बता दें कि दिल्ली सहित तमाम ऐसे शहर जहां पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, यानी कि गंभीर श्रेणी में AQI फिर से चला गया है और लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। एक तरफ जहां पर ग्रैप लागू किए गए थे, चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो, लेकिन फिर भी कोई भी असर देखने को मिल नहीं रहा है, वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो
आर्यनगर में 320 AQI दर्ज किया गया है, तो वहीं अशोक बिहार में 434 AQI दर्ज किया गया है, जहांगीरपुरी में 450 है, भवाना में 427 दर्ज किया गया है। तो ये गंभीर श्रेणी में, यानी कि 400 के पार जो भी AQI आते हैं वो गंभीर श्रेणी में आ जाते हैं। अब लोग इस गंभीर श्रेणी में भी वायु प्रदूषण में लगातार सांस लेने को मजबूर है, कहीं से भी राहत मिलने को आसान नहीं दिख रहे हैं। जहरीली हवा में लगातार लोग सांस ले रहे हैं। 10 नवंबर को बरसात हुई थी, थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन फिर एक बार AQI जो है 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली से लेकर नोएडा, नोएडा से लेकर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर AQI गंभीर श्रेणी में है। संवाददाता जीशान अहमद आगरा से जुड़ चुके हैं और लखनऊ से रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन लोगों से जानते हैं क्या कुछ, कैसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है। जीशान, आगरा में क्या कुछ स्थिति AQI की बनी हुई है अभी? जीशान, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? जीशान से संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि हमारे साथ रितेश भी जुड़े। रितेश, क्या कुछ AQI लखनऊ में दर्ज किया गया? कि देखिए लगातार गंभीर श्रेणी में ही AQI दर्ज किया जा रहा है। देखिए नंदनी, लखनऊ में अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI दर्ज किया गया है, जिस तरीके से देखा जा सकता है। तो अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में सुबह की भी आबोहवा खराब देखी गई है, खराब दर्ज की गई है। अगर आज भी रोडों पर निकलकर देखा जाए तो जो रास्ते में लगे हुए जो पेड़ हैं या वृक्ष हैं उनके ऊपर डस्टिंग अगर देखा जाए तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैला और वायु के जरिए जो पेड़ हैं, हरे भरे पेड़, उन पर वो डस्टिंग जमा हो रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो जो 60 वर्ष पूरे कर चुके जो एज के लोग हैं, वरिष्ठ हैं, उनके लिए ज्यादा, सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। आज वो स्थिति फिर से है, जैसे कोरोना काल में लोग मास्क लगा के चलते थे तो आज फिर उन्हें मास्क लगा के चलना पड़ रहा है क्योंकि सांस की सबसे बड़ी समस्या इसमें उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में अगर लखनऊ की बात की जाए, हम अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी उस तरह की प्रदूषण और आबो हवा खराब है। वायु प्रदूषण के चलते, अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उनके चलते, वहां पर डस्टिंग की वजह से, वो कोई व्यवस्था न करने की वजह से, तो ऐसी समस्याएं लगातार यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। हमारे साथ जीशान बने हुए। जीशान, क्या कुछ आगरा में AQI दर्ज किया जा रहा है अभी? कैसी स्थिति बनी हुई है आगरा में? जीशान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रितेश, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण खराब होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए नंदनी, वायु प्रदूषण को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य के विभाग के लोग हैं और कर्मचारी हैं, उनके द्वारा से साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जितने भी सांस के पेशेंट हैं, सबसे पहली चीज तो उनको मास्क भी लगाने की हिदायत दी गई है। और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही थी वायु प्रदूषण के चलते, तो पानी पीने की ज्यादा सलाह दी गई है। बच्चों पर जो इफेक्ट पड़ रहा था उनको भी ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई। तो ऐसे में वायु प्रदूषण से बच पाना तो मुश्किल होगा क्योंकि इसका जतन करने के लिए अभी जैसे देखा जाए दीपावली थी, तो दीपावली में जिस तरीके से आतिशबाजी हुई वो भी कहीं ना कहीं हवा में वो जहर घुला, जिसकी वजह से प्रदूषण इधर इस बीच में ज्यादा फैला। पहले थोड़ा कम था लेकिन दीपावली के जो पटाखे फूटने के बाद से प्रदूषण बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हुई। तो ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि वो पानी पीने का ज्यादा सलाह दे रहे हैं और पानी पीने के अलावा साथ साथ में मास्क लगाने की भी वो सलाह दे रहे हैं। जीशान हमारे साथ बने हुए। जीशान, क्या कुछ स्थिति अभी आगरा में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नंदिनी, ताजनगरी आगरा में अगर हम त्योहार की बात करें तो त्योहार के समय पर AQI लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि आतिशबाजी भी हुई थी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं AQI का लेवल है कहीं ना कहीं आगरा में लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे ताजनगरी आगरा के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे की सांस लेने में समस्या आ रही थी, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो प्रदूषण की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन त्योहार के बाद से मौसम में चेंजिंग हुई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं पानी भी पड़ा है जिसकी वजह से जो प्रदूषण लेवल है कहीं ना कहीं लेवल उसका घटता हुआ देखा है। अगर हम आगरा की अगर करंट लेवल की बात करें तो पॉल्यूशन लेवल इस वक्त बात की जाए तो यहाँ का आगरा का जो पॉल्यूशन लेवल है वो 154 AQI लेवल बताया जा रहा है। हालांकि जो लेवल होता है 200 के पार का जो लेवल होता है AQI का, वो खतरे का निशान होता है, लेकिन
आगरा का जो लेवल है वो 156 है जी नंदिनी जी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं आगरा में जुशान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो आगरा में स्वास्थ्य विभाग तरीके से एक्टिव था, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदूषण लेवल आगरा का बढ़ रहा था उसके बाद से जो आगरा के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी ने एक बैठक की थी और बैठक के बाद उन्होंने तमाम जो विभाग है उनको दिशा निर्देश दिए थे, साफ तौर से दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारियां कर रखी थी। वही आपको बता दें कि तमाम जो हॉस्पिटल है सरकारी वहां पर व्यवस्थाएं भी पूर्ण दे दी गई थी, और जो फायर ब्रिगेड की अगर बात करें तो दिशा निर्देश दिए गए थे फायर ब्रिगेड को कि पूरे शहर का छिड़काव किया जाए। वहीं जो जल निगम है, नगर निगम है, वो शहर में तमाम जो मेन चौराहे हैं वो आगरा शहर में छिड़काव किया जा रहा था। वहीं जिला पंचायतों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि देहातों में भी इसका जल का छिड़काव किया जाए, इससे पॉल्यूशन लेवल डाउन हो जाए जी। हम रितेश की तरफ रुक करते हैं। रितेश, पराली जलाने को लेकर तमाम तरह के निर्देश दिए जा रहे थे किसानों को, लखनऊ में क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्योंकि देखिए लगातार जो है वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। देखिए नंदिनी, पराली जलाने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया था और पराली पूरी तरीके से लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिल्कुल रोक लगा दिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पराली कहीं जलाई जाती है तो संबंधित विभाग का जो वहां पर अधिकारी होगा उस पर FIR भी दर्ज की जाएगी और जो पराली जलाने वाला होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की पराली जलाने की घटनाएं कम हुई है, ना के बराबर हुई, लेकिन और अगर अवैध निर्माण की बात करें जिनके द्वारा जो डस्टिंग निकलती है, धूल निकलता है, वो सबसे बड़ा एक समस्या निकल के आ रहा है। जैसे अगर कहीं कारखाने लगे हैं, जैसे कानपुर की बात की जाए तो जहां पर औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर भी प्रदूषण लगातार फैल रहा, तो वो कहीं ना कहीं हवाओं में जहर घोल रहा है। रही बात पराली की, तो पराली उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ ऐसे जगह है जहां पर एक चुटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम को भी साफ हिदायत दी गई है कि जहां पर डस्टिंग जमा हुआ है पेड़ों पर वो पानी का छिड़काव करें। हालांकि एक दिन की बारिश में थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन दीपावली के बाद से फिर जो समस्या है जब की तस्तर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। में लगातार AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। तमाम अलग अलग अन्य जगहों से आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति AQI की अभी बनी हुई है, क्योंकि नोएडा या दिल्ली की बात करें तो वहां पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा गया है। संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, कानपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है अभी AQI की? मैम, आपको बता दूं कानपुर में जो फिलहाल AQI की स्थिति है वो पुअर लेवल में है, 173 AQI बताया जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ कानपुर से जो लखनऊ और दिल्ली के बीच जो हाईवे है, हाईवे पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है अभी दिन का 2 बजने को है, लेकिन अभी तक पूरी क्लियर नहीं है, क्योंकि कानपुर उद्योगों का शहर है और लगातार मेट्रो निर्माण भी कानपुर में चल रहा है, तो इसको देखते हुए काफ़ी जो है प्रदूषण भी फैल रहा है और जो धूल और धुआं है वो भी लगातार इसकी वजह से लोगों को काफी यहाँ दिक्कत हो रही है। देखिए कानपुर में जिस तरीके से आपने बताया लगातार AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि लोग किस तरीके से अपना ख्याल रखें? देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को एक गाइडलाइन जारी की गई थी, दिशा निर्देश दिए गए थे कि लोग जो है अपना ख्याल रखें, खासकर वो व्यक्ति ख्याल रखें जिनमें सांस की बीमारी है, दमा की शिकायत है और ऐसी श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं, इन लोगों को ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात अगर की जाए तो अस्पतालों में ऐसे रोगियों की भीड़ लगातार जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक जरूरी गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें लोगों को साफ निर्देश दिया गया था कि ऐसे लोग जो बहुत जरूरी हो तो घर के बाहर निकलें, वरना घर के बाहर न निकलें और अपना सेहत ख्याल रखने की उनको आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाने को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही? देखिए सरकार की तरफ से किसानों को सख्त निर्देश दिए गए थे। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे नगर निगम कानपुर नगर निगम द्वारा और कानपुर के आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उनमें लगातार ये हिदायत दी गई है किसानों को कि पराली जो है नहीं जलाएं,
जिससे कि जो है धुआं है वो धुआं ना फैल सके और धुंध वगैरह फॉगिंग वगैरह की समस्याएं ना देखने को मिले। तो जरूरी निर्देश है जो वो आसपास कानपुर में दे दिए गए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कानपुर से संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से सरकार ने वहां पर भी सख्त निर्देश दिए हैं पराली न जलाने को लेकर, और लगातार AQI बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को इस खराब हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। खबर देवरिया से, जहां पर चंद्रशेखर यादव की धारदार हथियार से हत्या घटना के बाद इलाके में मची फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां पर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि खबर देवरिया से है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये पूरा मामला मदनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर धारदार हथियार से हत्या की गई है। चंद्रशेखर यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। खबर देवरिया से है, घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एक बार फिर से देवरिया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि धारदार हथियार से चंद्रशेखर यादव की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको देवरिया से बता रहे, जहां पर देवरिया में एक बार फिर से हत्याकांड का मामला सामने आया है। चंद्रशेखर यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बता दें कि देवरिया से ये खबर है, देवरिया में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। चंद्रशेखर यादव की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मदनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर चंद्रशेखर यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। तस्वीरों में अब भी आप देख सकते हैं किस कदर वहां पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बार फिर से देवरिया में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बता दें कि चंद्रशेखर यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चंद्रशेखर यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, ये खबर देवरिया से है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर यादव की धारदार हथियार से हत्या की गई है? यहाँ किसान जो चंद्रशेखर यादव है, रात में खेत में पानी चला रहा था और उसके बेटा, उसकी पत्नी ने सुबह 5 बजे जैसे वहाँ पहुँचते हैं चाय लेकर, कई दबंगों द्वारा पहले से घात लगा कर बैठे हुए थे और जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते उसकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी तक पूरी कार्रवाई की गई है रवि? जी बता दे कि प्रशासन ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। और कहीं ना कहीं जो देवरिया जनपद में जमीनी मामले हैं आए दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने 3 लोगों को हिरासत में ले चुका है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि हत्याओं का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ और सख्ती बरती गई है, क्योंकि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है? जी बता दें कि सत्या से पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, पुलिस बल छावनी में तब्दील हो गई है। लेकिन बता दें कि जो हत्याओं का सिलसिला है, जमीनी विवाद के जो प्रकरण आए दिन आ रहे हैं, इसमें कोई कानून सख्त कानून बनना चाहिए, जिसकी वजह से हत्याओं का सिलसिला थमे। तो आए दिन देवरिया जनपद में ऐसी वारदात को लोग अंजाम देते नजर आ रहे हैं। श्री परिवारजनों ने इस पर क्या कुछ बयान दिया है, किस तरह की वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी बता दें कि परिवार का बेटा राम निवास ने बताया, जो मृतक का बेटा राम निवास ने बताया कि यह 2 साल से जमीनी विवाद चल रहा था, मैंने कई बार पुलिस में शिकायत किया था। लेकिन बता दें कि आपको एक मिनट बताना चाहेंगे, ये जदरथ कुशवाहा, संजू देवी, रामदेव पवन, दीपक,
अजहरी अजोगिया या जो जोगिया गांव के रहने वाले हैं, इन लोगों ने पहले से घात लगा के खेत में बैठे हुए थे और जैसे ही हमारे और मेरी माँ वहाँ चाय लेकर पहुँचते हैं हमारे पिता की पीट पीट कर कुछ कुछ कर हत्या कर दी जाती है। रवि, इस पूरे हत्या में कितने लोग शामिल थे और पुलिस ने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? जी बता दें कि जैसे बेटे का आरोप है कि इसमें 6 से 7 लोग शामिल थे, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अधीक्षक देवरिया का बयान भी सामने आ गया है जहां 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। किस तरीके से आगे की और कार्रवाई की जाएगी? जी आपको बता दें कि यह जो जमीनी विवाद के प्रकरण चल रहे हैं, कहीं ना कहीं देवरिया जनपद में ये जो हत्याओं का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और कहने का यहाँ कह सकते हैं पुलिस पर यहाँ बड़ा सवाल या निशान खड़ा भी करते नजर आ रहा है कि जो ये हत्याएं आए दिन हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन है, इस पे सुंग लेने वाला कोई नहीं है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी के हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के बाद पति और पत्नी में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां पति ने पत्नी को जलाकर मौत के घाट उतार दिया और पत्नी को बचाने आए ससुर की भी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। वहीं सूचना पर पहुंचे SP ने बताया कि मृतक के पास तमंचा 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज सुबह करीबन 3 से 4 के बीच PRB को थानाराट क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अनुसुईया को जला दिया है और अपने ससुर नंदकिशोर की भी हत्या कर दी है। उसके बाद खुद को तमंचे से फायर करके आत्महत्या कर ली गई है। इस जानकारी के प्राप्त होते ही तत्काल थाने की पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचा गया। सारे उच्च अधिकारी मौके पर आए। 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है। गहनता से जानकारी करने पर यह पता पड़ा कि मृतक और मृतका की जो बेटी है 16 साल की, उसके द्वारा बताया गया कि उनके माता पिता का काफ़ी समय से घरेलू विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद। अम्बेडकर नगर में मुख्यालय के कस्बा शहजादपुर में जलालपुर रोड बाईपास से 500 मीटर दूरी पर नितिन टेंट हाउस में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मऊ में रानीपुर थाना क्षेत्र के गोकुलापुरा निवासी व्यक्ति ने चोरी के मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और पीड़ित ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि खेत में ट्यूबवेल पर लगे मोनो ब्लॉक पंप को बीते 24 नवंबर को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। वहीं पीड़ित की तहरीर में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा